और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा। बसपा का चुनावी मंत्र, हर बूथ पर 5 यूथ। बसपा का गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। बसपा की गांव चलो अभियान से युवाओं को जोड़ने की कोशिश है। बसपा हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा तैयारी में जुटी हुई है और बसपा का जो चुनावी मंत्र है वो है हर बूथ पर 5 यूथ। बसपा का गांव चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। बसपा की गांव चलो अभियान से युवाओं की जोड़ने की कोशिश है और बसपा का हर बूथ पर 5 युवा पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर दल जुटा हुआ है और बसपा भी कोशिश कर रही कि हाथी इस बार दौड़े। तो लोकसभा चुनाव में तैयारियों में बसपा जुटी हुई है और बसपा का जो चुनावी मंत्र है अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वो है हर बूथ पर 5 यूथ। बसपा का गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत बसपा गांव की तरफ रुख कर रही है और साथ ही साथ हर बूथ पर 5 युवा पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी ने रखा है। वही गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कथित पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में जिला पंचायत राज विभाग से टेंडर जांच की मांग की है। जिला पंचायत से जारी टेंडर की जांच की मांग की है। पत्र के वायरल होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सफाई दी और पत्र को फर्जी बताया है। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी ऐसे ही किसी पत्र की जानकारी नहीं होने की बात कही। दरअसल जिला पंचायत परिषद के विकास कार्यों, योजनाओं, ठेकों और टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे। जिला पंचायत सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच जिला पंचायत परिषद की टेंडर प्रक्रिया पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के कथित पत्र के वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और जांच की मांग और तेज हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ये पत्र सही है तो फिर टेंडर की जांच होनी चाहिए। ओपी राजभर ने भी कहा है कि अगर कहीं घपला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इसको अब अनिल राजभर फर्जी बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सत्य है उनका लेटर लिखा हुआ है, यदि नहीं लिखा हुआ है उनका, तो जो भी इस तरीके की गलतियां की हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि शासन की कोई मानसिकता पूरी की पूरी जिले में लागू रहे। अनियमितता हो रही है और ये पत्र फर्जी है। इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के पत्र को अगर कोई फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसको गोल गोल घुमाए क्यों नहीं जा रहा है? उसकी जांच बैठा दिए जाए, उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो पत्र सही है तो उस पर भी उचित कार्रवाई हो। उसको क्यों गोल गोल घुमाया जा रहा है? या गलत है तो उस पर भी कार्रवाई हो, सही हो तो उस पर भी कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी द्वारा जो पत्रक लिखा गया है जांच के लिए, तो अगर सही है तो उसका जांच कराना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि नहीं, पत्रक जो है गलत है, तो जो गलत है, जो ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई हो, बढ़िया से कार्रवाई हो। जांच के लिए अगर वो लोग कर रहे हैं तो जांच का विषय, जांच में कौन दोषी है, कौन सही है, हम तो उजागर जांच के बाद ही ना होगा। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते। उनसे पूछे कैसा क्यों करते हैं, किसके दबाव में करते हैं। विषय आपने भी दिया है, हम उस पर देख रख बताते हैं क्या मामल क्या कम हो जाए। विषय आपने भी दिया है, हम उस पर देख रख बताते हैं क्या मामल क्या कम हो जाए। विषय आपने भी दिया है, हम उस पर देख रख बताते हैं क्या मामल क्या कम हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।